We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए विकास दुबे की गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। गृह मंत्री ने इस कुख्यात गैंगस्टर की गिरफ्तारी को मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी बताया है। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा कर गैंगस्टर की गिरफ्तारी की सूचना दी है। एमपी पुलिस विकास को यूपी के हैंडओवर करेगी। उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे दो साथियों के साथ पिछले 7 दिनों से फरार चल रहा था। उसे महाकाल मंदिर से गुरुवार सुबह पकड़ा गया है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वर्तमान में वो उज्जैन पुलिस की कस्टडी में है। उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश वो भी गिरफ्तार किए गए हैं महाकाल से। दर्शन करने पहुंचा था, कैसे पहुंचा? मिला था पूजा करने के लिए गया है। प्रारंभ दृष्टि में पता चला था कि हमारे एक कांस्टेबल को शक हुआ था घनश्याम। ये सब अभी प्राइमरी बात है, इसको अंतिम न माने। पहली बात उसको शक हुआ तो उसने अपने पुलिस के दूसरे साथी को बताया और उसके बाद में 4 कांस्टेबलों ने उसे एक तरफ बुला के बिठा ला और उसके बाद में पुलिस कस्टडी में आया। और पूछे मंदिर की समिति के जो लोग हैं उन्होंने भी पहचान की थी और उसके बाद जो पुलिस थी उसको बताया। बाकी सब पहचान करते गए बाद में। सर एक बड़ी कामयाबी है मध्य प्रदेश, निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है और उसकी गहराई में जाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी आने वाली है। अलर्ट के बावजूद कैसे मध्य प्रदेश में आ सका? अलर्ट के बावजूद ही पकड़ा गया है और रेल चलती हैं, बसें चलती हैं, साधन है। तो ये सवाल ठीक है, अच्छा है, आप कर सकते हैं। सर उत्तर प्रदेश पीएम से चर्चा हुई है क्या? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों परस्पर बातचीत कर रहे हैं। हेलो। वी नर्चर विद केयर, डेवलपिंग द विजन एंड डिटरमिनेशन। वी शेप द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वी आर Great Men International School.